नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अबव अदर सच दैट ओ इज देयर कॉमन पॉइंट फॉर द टू हमें यह दिया हुआ है द वायर्स कैरी करंट आई वन एंड आई टू रेस्पेक्टिवली अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है द पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ अलॉन्ग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर सवाल है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी क्या होएगा नाउ uh, अक्सर लोग इस सवाल में इस बात पे घबरा जाते हैं कि उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आई क्या हुआ और डायग्राम सही नहीं बताया इसी सवाल को जब हम क्लास में करते हैं सो सेवेंटी एटी परसेंट लोग तो इसका डायग्राम ही सही नहीं बना पाते हैं डायग्राम एक बार सही बन गया तो फटाफट सबका आंसर आ जाता है अलाइट सो सो मैं आपको दो तरह से डायग्राम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं इसे कैसे बना सकते हैं करना दिखाता हूँ अलाइट सो so, पहले सिचुएशन तो ये है कि आपने दो वायर बनानी है जो कि एक प्लेन में लाए करते हैं सो लेट्स से एक वायर ये है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरी वायर ये है उसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है एक्सक्यूज <coughs> मी और इनको नाम हम दे रहे थे ए बी और सी ओ डी सो ए ये ओ और बी या फिर सी ओ डी ये आपकी दो इस तरह से वायर हैं एक में करंट आपका आई वन है एक में करंट आपका आई टू और पी पॉइंट है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है सो so, वो पी पॉइंट आपका यहाँ आएगा इससे बाहर इस प्लेन इस बोर्ड से बाहर ये कोई पी पॉइंट है वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है दूसरा तरीका इसी को विजुलाइज़ करने का ये है कि एक वायर तो ऐसी है जिसमें आपका करंट जा रहा है और दूसरी वायर आप इसको बना सकते हैं ऐसी है ठीक है आप डॉट बनाया क्रॉस बनाया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ डायरेक्शन बतानी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरी वायर ऐसी है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है और मान लेते हैं ये आपका पी पॉइंट यहाँ पे है तो इस वायर को जो अंदर वायर गई इसको ए ओ बी कह देते हैं ये सी ओ डी ए वायर है इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना दोनों ही सिनेरियो में अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा अरे तो ये आपका पी पॉइंट यहाँ पे इस बार पी पॉइंट यहाँ पे सो so, इस वाले सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो वायर आपकी इनसाइड जा रही है उस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी सो so, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाली वायर की वजह से होगी इस वाली वायर की वजह से क्योंकि आपका करंट इस ऊपर की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होएगी सो यहाँ पे भी आपकी क्रॉस डायरेक्शन में इनसाइड हो जाएगी इस वाले केस में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपका पॉइंट है क्योंकि इसमें करंट कैरिंग वायर है तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो पी पॉइंट है उस पर नीचे की तरफ आएगी और ये वाली जो वायर है उसकी वजह से इनसाइड साइड जाएगी अलग तो ये वायर ये जाएगी तो दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है सो आपका जो बी नेट आएगा यहाँ पर बी नेट उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो आपका बी वन प्लस बी टू का स्क्वायर होएगा बी इन दोनों के आ, स्क्वायर का अंडर रूट होएगा सिर्फ ये वैल्यू अपने को यहाँ लिखनी है नाउ दोनों वायर क्योंकि आपके इन्फानाइट वायर हैं तो इसकी वजह से आप लिख सकते हैं इनकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में बी वन किसी भी जिसका करंट आई वन है उसकी वजह से इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यूनोट आई डिवाइडेड बाय फोर पाए डी और यहाँ पे टू लगा सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस म्यूनोट आई डिवाइडेड बाय फोर पाई डी का स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी तो so, इसके अंदर ये सारा आपका टू म्यू नॉट आई फोर पाई डी कॉमन आ रहा है अच्छा यहाँ पे करंट आई वन है यहाँ पे दूसरे वाले में करंट आई टू है सो टू म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई डी आपका कॉमन हो जाएगा सो so, यहाँ पे आपने टू म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाए डी कॉमन ले लिया अंदर बचा अंडर रूट में आपका आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर राइट इसको अगर सेम फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो टू 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 और फोर कैंसिल हो जाएंगे सो so, आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय टू पाई डी अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर सो नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर